नमस्कार दोस्तों, कार टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस यानी स्पोर्ट्स मॉडल और इको स्पोर्ट सिग्नेचर के बीच डिफरेंस बताऊंगा। इको स्पोर्ट की इन दो वेरिएंट में लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों वेरिएंट अलग अलग हैं या सेम हैं। अगर अलग अलग हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस और सिग्नेचर ये इको स्पोर्ट के दो ऐसे वेरिएंट हैं जो सनरूफ के साथ आते हैं। फोर्ड की लैंग्वेज में ये जो सनरूफ है उसे वो फन रूफ कहता है। तो फोर्ड इको स्पोर्ट सिग्नेचर की जो प्राइसिंग है वो है 10,40,000 एक्स शोरूम, जबकि इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस यानी स्पोर्ट्स वेरिएंट की प्राइस है 11,89,000 एक्स शोरूम। आप भी फोर्ड की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, प्राइस वेरी कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस मॉडल में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलता है, साथ ही में इसके इंटीरियर में आपको बहुत जगह पे ऑरेंज इंसर्ट्स मिलेंगे, जैसे डोर पे, सेंटर कंसोल पे, ETC। साथ में आपको इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम फील होता है आपको। साथ ही में इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस वेरिएंट में आपको एक 8 इंच का फोर्ड का लेटेस्ट सिंक 3 टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस वेरिएंट में आपको ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है, साथ ही में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा आपको इसमें 6 एयर बैग मिलेंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हील होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 4.2 इंच का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा जो कि क्रोम इंसर्ट्स के साथ आता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये सिर्फ इसी वेरिएंट में आपको मिलेगा। साथ ही में आपको इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी मिलेगा जो कि 7 कलर में जलता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा पैकेज है और ये बहुत प्रीमियम बना देता है। अब बात करते हैं इको स्पोर्ट सिग्नेचर वेरिएंट की। तो इको स्पोर्ट सिग्नेचर वेरिएंट में वही आपको ग्लॉसी ग्रिल मिलेगा, लेकिन ये एक क्रोम इंसर्ट के साथ मिलेगा। जो टायर है इसका वो है 17 इंच, एस वेरिएंट का भी 17 इंच है, पर एलॉय में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसके अंदर आपको ब्लू इंसर्ट मिलते हैं, कोई भी लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलता इसके अंदर, और इसके अंदर आपको वो 8 इंच का टच स्क्रीन नहीं मिलता है, आपको 9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, लेकिन ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं सपोर्ट करता है, और इस स्क्रीन में बहुत लैग भी है। अब बात करते हैं MID की। तो इसका जो MID है वो काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं सिर्फ 2 इंच का है, और स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, RPM मीटर पे कोई भी क्रोम इंसर्ट नहीं है, जो बहुत ही बेसिक सा लगता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं मिलते, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते, और इसमें आपको सिर्फ 2 ही एयर बैग मिलते हैं। तो बात करते हैं अब कंक्लूजन की। इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस में आपको 6 एयर बैग, क्रूज कंट्रोल विथ स्पीड लिमिटर, लेदर अपहोल्स्ट्री, फोल्ड का एडवांस सिंक 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे फीचर मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे फीचर जैसे एम्बिएंट लाइटिंग, ग्लो बॉक्स इल्यूमिनेशन मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 1,20,000 रुपये देना इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस वेरिएंट के लिए सही है, तो आप इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस वेरिएंट ज़रूर खरीदें। लेकिन अगर ये आपके बजट से बाहर है तो आप इको स्पोर्ट का सिग्नेचर वेरिएंट ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग मिलेगा, 2 इंच का ही MID मिलेगा, और एक 9 इंच का बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसकी जो रिजोल्यूशन है वो कभी भी सिंक 3 से मैच नहीं कर सकती, लेकिन वो भी गाड़ी बहुत ही अच्छा है। तो आप दोनों में से अपने बजट के हिसाब से कोई भी गाड़ी चूज कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।